हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। दो दिन से काफ़ी कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी तो वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो आज मैंने सोचा फाइनली मैं आपके साथ बात जरूर करूं। अभी दो दिन से आप वीडियोस देख रहे हैं कि माँ वापस आ गई हैं। सबसे पहले उसी पे चर्चा करते हैं। माँ वापस आई हैं, अभी तक तीन दिन से वही कपड़ा नीले वाला सूट पहने हुए हैं। उसके बाद जो है ये वीडियो पे बता रही है कि लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आज इन्हीं दो टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात बता दें कि एलिगेशन पर इस पर तब से लग रहे हैं जब से ये यूट्यूब पे आई है। जिस तरह से सनी के जाने के बाद जो है ये सर पर दुपट्टा देके आके बैठ के मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ करके इसने नौटंकी वाली फर्स्ट वीडियो जो बनाई थी, जो कि फर्स्ट इसकी वायरल हुई थी, एलिगेशन उस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही इस पर लगने लगे थे। अब जब इससे माँ इसकी वापस आई है तो लोगों ने ये भी एलिगेशन लगाना शुरू किया है कि ये जो है माँ बेटी मिलकर ये चाल चली है। और ये सच बात है, माँ बेटी ने दोनों ने मिलकर चाल चली है। एक तो व्यूज का चक्कर है कि ऐसे जाएंगे, माँ उसके साथ चली जाएंगे, फिर वो जो है वहां पहाड़ा पढ़ा के वापस चली आएगी। ये इस माँ बेटी की चाल थी। ऐसी बेशरम औरतें आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ऐसी माँ बेटी की बेशरम माँ बेटी की जोड़ी भी आपने नहीं देखी होगी। कुछ दिनों पहले मैंने शॉर्ट बनाया था ना कि सुअर को जो है आप नाली से निकालिए और उसको कितना भी धो लीजिए, पोछ लीजिए, उसको जाकर सिंहासन पर बैठा लीजिए, लेकिन वो पलट के घिस घिस के फिर आके नाली पे ही लौटेगा। वो इन लोग पे कहावत जो है वो सटीक बैठती है। इसकी माँ जब से आई है नहाई वहां पे ले जाके डिसिप्लिन पे रख रहा था ना, अंकुर जो है डिसिप्लिन पे रख रहा था, वहाँ नहला भी रहा था, साफ सुथरे कपड़े पहना रहा था, कंघी भी करने को कह रहा था, तब वो वीडियोस पे दिखा रहा था। और यहाँ पे जो है ना इसको कोई नहाने को कहेगा बुढ़िया को, ना कोई उसको कंघी करने को कहेगा, ना ही कपड़े बदलने को कहेगा। तो ये इतनी शातिर इतनी गंदी, क्योंकि ये नाली में रहने वाले हैं ना, अब यूट्यूब का पैसा मिल गया है इसका मतलब कोई नाली में रहना छोड़ देगा। जो जिसका असली घर होता है वो उसी पे जाता है, कहता है ना मूल में आदमी ज्यादा जाता है, वही हाल इसका है। तो जो नाली की कीड़ा है वो लोग रेंग के अब नाली के कीड़े में फिर से वापस आ चुके हैं। बेशरम इनकी माँ इस तरह से कह रही थी कि मैं तो अंकुर आया था लेने तो अंकुर की तरफ देखना नहीं पसंद करती। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितनी बेशरम औरतें हैं ये लोग। इसके जो है इस काम था ससुराल वालों को बदनाम करना। आज की वीडियो पे भी अगर आप देख लेंगे, करंट की वीडियो पे दादा प्यार नहीं करते, दादी नहीं प्यार करती, अरे तू किसको प्यार करती है सबसे पहले ये बता, तू एक का नाम बता दे तू किसको प्यार करती है। इस जो माँ को फंस के तू रखी है ना, क्योंकि माँ को गंदगी पसंद है और तू गंदगी है, गंदगी का ढेर है, तो वही कहते ना चुंबक की तरह घसीटता है, वही चीजें हैं तेरे और तेरी माँ के बीच में। तो किसको पसंद करती है, जो दादा पसंद करेंगे दादी पसंद करेंगे। लाए तो थे चॉकलेट भी लाए थे, कपड़े भी लाए थे, तूने क्या कंगन किया था, लाइव भी ऑन करती थी, उनकी चीजें दे के बेकार है, ये है, बदनाम भी कर दिया था। तो अब बात करते हैं कि एलिगेशंस की, इसके ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो तो हमारे हिसाब से तो सब सही लग रहे हैं, जो कि अंकुर ने इसकी पोल पूरी तरह से खोल दी है। कई चीजें हम लोग को अंकुर की गलत भले ही लगती हो, लेकिन वो असली बात बताता है, क्योंकि वो इनसे थोड़ी सी अलग परवरिश हुई है। माँ को ले जाना ले आना उसका कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन इसने वो चीजों पर इस तरह से वो किया, रिएक्ट किया, और इसने इस चीज को इस तरह से पेश किया। और इसकी माँ वहां पे थी तो हाँ मुझे ऐसे क्यों दिखाते हैं, लोग पागल समझेंगे, वो पागल बता देती है तो लोग पागल समझेंगे, मेरे पास तो 10 औरतें बैठती हैं, वो भी नहीं बैठेंगी तेरे पास, 10 औरतें बैठते हैं तो तेरे पास कोई दिखी नहीं, वो पागल समझ के नहीं बोलेंगी। पागल की तरह माँ को घुमा के तू पैसा कमाए, पागलों की तरह मेंटल साबित करने में तू पैसा कमाए, माँ की इस तरह की गंदगी के ढेर में बैठाने के तू पैसा कमाए। उसके बाद कहे लोगों एलिगेशन लगाते हैं, लोग देखते हैं तू क्या कर रही है, और तेरे को सच पे जूते मारते हैं। आज तक किसी और ब्लॉगर के कमेंट्स पे इस तरह के आपने कमेंट देखे हैं, जिसको कमेंट आते हैं, हमको तो नहीं देखे कमेंट पे। हम लोग के पास नेगेटिव कमेंट आजकल इसी की वजह से आने लगे, ये भी फेक आईडी से आके पटांग कमेंट करती है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं, इसकी औकात नहीं है कि आके हम लोग के कैरेक्टर पे कोई बात कर दे। और लोगों की बात ऐसी होती है कि इसके ऊपर वीडियोस पे कमेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। माँ बेटी की जोड़ी कुछ भी कर सकती है, जितनी शातिरंदाज अंदाज से इसकी माँ चल रही है, जितनी उतनी ही शातिरंदा अंदाज से इसकी बेटी चल रही है, और दोनों मिलके इसका काम क्या है, ये जो है अपने भाई को बदनाम कर देगी, माँ जो है अपने बेटे को बदनाम कर देगी। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, जो ये किसी की सगी नहीं है, ये इसने कहां से सीखा है, इसके खून में शामिल है। इसकी माँ भी ऐसी है, जो अपने पति की, इसकी माँ की अगर देखा जाए, देखिए किसी की माँ की बुराई हम लोग नहीं करते, वो भी यूट्यूबर है और वो इस तरह की हरकतें YouTube पे आके कर रही हैं, तो आज हम उस पर बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, जो औरत अपने इतने उम्र में, बुजुर्ग उम्र में 60-65 साल 70 साल की उम्र है, जो अपने पति की नहीं है, जो अपने बेटे की नहीं है, वो आपको लगता है कि इस बेटी की होगी, वो भी किसी ना किसी मकसद से, किसी ना किसी उससे इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि निधि क्या है, गंदगी का ढेर है। निधि का मतलब ही इस यूट्यूब पे निधि की दुनिया का मतलब गंदगी का ढेर है। हर तरह की गंदगी आपको मिलेगी, चाहे वो एलिगेशंस वाली गंदगी हो, चाहे मकान में गंदगी का ढेर हो, चाहे
खाने की गंदगी हो, चाहे पहनने ओढ़ने की गंदगी हो, बिना नहाए धोए रहने की गंदगी हो, चाहे इनके ऊपर जो भी चारित्रिक गंदगी का एलिगेशन लगता है वो गंदगी हो, तो सारी गंदगी का जो ढेर है उसका नाम होता है निधि की दुनिया। और उस गंदगी के ढेर में रहने के जिसको शौक होता है वो निधि की दुनिया, निधि की तरफ आकर्षित होकर जाता है, जो कि इसकी माँ है। यहाँ पे इसको, उसकी माँ को आठों दिन एक ही कपड़े तब से पहनी है। भैया क्या गंदी औरत है ये लोग, क्या गंदी औरत है। बेटी 10 दिन नहीं नहाती, माँ 10 दिन नहीं नहाती, उसी कपड़ों में आके बैठ जाती है। हम लोग साले अगर 4 घंटा मार्केट चले जाते हैं तो जब तक आके नहाते नहीं है तब तक नहीं करते। सर्दियों में भी गुनगुने पानी से अपने को क्लीन करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, यानी हाथ सैनिटाइज करते हैं कितना, उसके बाद कमरे में घुसते हैं। ये बच्चे को भी इसी से खिला लेती है, ये सब कुछ कर लेती है, उसी चद्दर में हगा भी लेती है, उसी चद्दर में मुता लेती है, उसी में बिछा के खाना, रोटी बिछा के खा लेते हैं। इतनी बेशरम औरतें हैं ये। उसके बाद आज की वीडियो की भी बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में बच्चा सबसे पहले पहली लाइन, दादा प्यार करते हैं तुमको, दादी प्यार करती है, दादा प्यार नहीं करते, दादी प्यार नहीं करती, सिखा क्या रही है ये। बच्चों को ये सिखाया जाता है, अभी 3 साल का बच्चा है, लेकिन बच्चा कह रहा है पॉटी लगी पॉटी लगी, इसको तो कोई फर्क नहीं। ये मोबाइल जो है, उसके कैमरा जो है, उसके मुंह पे ले हुए पॉटी लगा, बच्चा मुंह बना रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है कि पॉटी लगी है, लेकिन ये लगी उसके मुंह पे कैमरा में। दादी प्यार करती नहीं, दादी नहीं प्यार करती, नानी नहीं प्यार करती, लेकिन बच्चा भी थोड़ा रहा, बच्चा वो कतई ही नहीं स्वीकारने को तैयार है कि दादा दादी प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो कह रहा नानी नहीं प्यार करती। नानी पीछे से कह रही, मैं तो, मेरे तो सपने में भी बिहार दिखता था, मेरे तो इसमें भी दिखता था। तेरे को सपने में जो है वो घर की गंदगी दिखती थी कि मुझे वही गंदगी ढेर में सोना है, और कपड़े उतारने की झंझट खत्म, क्योंकि ना तो बेटी उतारती है, साफ सुथरी होती है, ना तो तेरे को कहेगी कि माँ जाओ नहा लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो, बाल कंघी कर लो, क्योंकि ना तो बेटी को करना है, ना तो तेरे को कहने का। जब हम करेंगे नहीं तो हम दूसरे को कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम दूसरों को टोकने लगेंगे तो वो हमको नहीं कहेगा तू कितने दिन से नहाए, पहले ये बता। बच्चा ड्रेस पहने बैठा हुआ है, अभी आप लोग ने अगर वीडियो पे गौर किया होगा तो अभी हमने वीडियो देखा, बच्चा ड्रेस पहने बैठा है, ऐसी सुला देगी, ऐसी हगा दे रही, ऐसी मुता दे रही, सुबह ऐसी स्कूल भेज देगी। घिन्नाएगा नहीं, स्कूल वाले घिन्नाएंगे नहीं इस बच्चे से, जैसे यूट्यूब वाले इस औरत से घिन्ना गए हैं, इसके माँ से घिन्ना गए हैं, इसके परिवार से घिन्ना गए हैं, वैसे मोहल्ले वाले इससे घिन्ना गए हैं, इसके घर से घिन्ना गए हैं। औरतें आके मुंह दबा दबा के कहीं कितना गंदा है, कितना है, कितना गंदा है, हमारे तो कोई घर में कह जाए तो हम शर्म के मारे डूब पड़े, साले को तुरंत वो बुलाए जो अर्बन क्लैब, वहां से बुला के सफाई आदमी करा लें, जो इतना कमा रहा हो, जो सिर्फ 10,000-20,000 कमा रहा हो, वो भी बुला के करवा लें, वो घर पे घिस घिस के साफ करें। लेकिन ये बेशरम औरतों को जरा सा भी शर्म नहीं है, कहाँ है गंदा, कहाँ है गंदा, कहाँ है गंदा, नटंकी करती फिरेगी। उसके बाद इसकी माँ को इसी तरह की चीज चाहिए कि कोई नहाने को ना कहे, कोई बाल काटने को ना कहे, कोई कपड़े बदलने को कहे। एक कपड़ा हम 5 दिन वैसे का ब्रश भी ये लोग नहीं करते हैं, हमें नहीं लगता कि ये लोग दांत माँज के कुछ खाते होंगे। जूस पीना है, खाने खाने हैं, ये करना है, ले ले ले, 3 साल का बच्चा 6 अंडे, 3 साल का बच्चा 4 अंडे, ले 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 ले, बिहान खा लिया। अब आप सिर्फ समझ सकते हैं इसकी औकात क्या है, और इसका रहन सहन क्या है, इसके ब्लॉग्स का मतलब क्या है, और इसका परिवार का क्या हिस्ट्री है। मुझे सारी चीजें, ये चीज इसको देख के समझ में आ गई है। सबसे पहली बात समझ में आई है कि निधि का ढेर मतलब गंदगी का ढेर, देखिए तुम्हारा मतलब गंदगी का ढेर, ये गंदगी की ढेर है, शारीरिक मानसिक चारित्रिक हर तरफ से ये गंदगी का एक ढेर है। और दूसरी बात, इस ढेर में घुसने के लिए जो कीड़ा सुअर जो होता है ना, घुसता है कि नाली में, वो इनकी फैमिली मेंबर्स जो इसके पास दौड़ के आ रहे हैं। बताओ छी कैसी औरत, कैसी माँ है, जो सिर्फ इसकी गंदगी में घुसने के लिए, मजे लेने के लिए कि यहाँ पे नहाना धोना ना पड़े, कंघी ना करना पड़े, साफ सुथरा ना रहना पड़े, घर ना साफ करना पड़े, कीड़े बिलबिलाए उसी में रहना मंजूर, लेकिन अपने बेटे के नहीं होंगे, अपने आदमी के नहीं होंगे, ना पति के सुनेंगे, ना बेटे के सुनेंगे। देखिए गुस्सा बहुत है, बहुत चीजें कहने को है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहना दीदी को याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा, हम आपके कोई भी अच्छे कमेंट्स होंगे अपनी वीडियो पे, आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वहां पे आपके कमेंट्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं, जहां उसको आईना दिखाइए आपके कमेंट्स डिलीट कर देती है, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी और लोगों तक आपके कमेंट्स पहुंचेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहती कि आप उसकी असलियत बताएं, लेकिन हम चाहते हैं आप अपने दिल की बात बताएं और मैं उसको अपने चैनल पे बोलूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।